11 बज गए। तो देखो गाइस, ये हम होटल से सब्जी लेकर आए हैं, मिक्स वेज, ये सैलेड, ये रोटी। तो गाइस बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। देखो गाइस, दिख रहा है? हाँ, मेरे लिए तो ये। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। तो गाइज कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, हम भी अच्छी है। तो आज की मॉर्निंग कुछ इस तरीके से, आज हमारे यहाँ खुली है 10:30 बजे, खाती हूँ। तो गाइज आज हमारे यहाँ खुली है 10:30 बजे और अब मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो मैं यहाँ पर दूध बॉइल कर रही हूँ, देख सकते हो। तो दूध बॉइल करके फिर मैं दे दूँगी ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि हम दूध ही पीते हैं, चाय बहुत कमी कर दी है पीना इसलिए। और ये देखिए, पहले शाहनवाज ने जूस रेडी कर रखा था। तो ये जूस शाहनवाज पहले उठ गया था, तो ये उसने बनाया है, तो उसने जूस बना लिया था। ये बहुत ज़्यादा समस्या हल कर दी उसने मेरी। तो चलिए मैं दूध बॉइल कर लेती हूँ, फिर करिश्मा को उठाती हूँ मैं, फिर हम ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। फिर आज फिर पार्लर जल्दी भी जाना है हमें। तो आज जब जल्दी जाना था, जब भी हमारी आँख बहुत लेट खुली है, तो आप लोगों को बताने जैसे कि काम चल रहा है पार्लर में माशाल्लाह से। ईद का त्यौहार है, ईद नज़दीक है, तो ईद का काम चल रहा है, इस वजह से हम बहुत लेट आ रहे हैं रोज़, और लेट ही खाना बन रहा है और लेट ही सो रहे हैं, इसलिए हमारी आँख भी लेट ही खुल रही है। तो चलिए कोई नहीं, हम बॉइल कर लेते हैं, फिर करिश्मा को उठाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। कम लो जूस, लो उठो, लो जूस। तो भाई जब हम कमों को उठा रहे हैं, जूस पिला रहे हैं उसको, लो उठो आराम आराम से। टाइम दिख रहा है? ये देखिए बस 11 बज गए। तरह से नहीं लग रही आवाज़, बैठ रही है आपकी भी? हाँ आवाज़ बैठ रही है, उसने बात नहीं कर दिया तुम नाजरीन से। ठीक है, भाई चलो मैं उसकी ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। हेलो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं पार्लर से, घर से पार्लर आ चुके हैं। तो गाइस अब हम पार्लर आके खा रहे हैं खाना, तो हम आपको दिखाते हैं। तो देखो गाइस, ये हम होटल से सब्जी लेकर आए हैं, मिक्स वेज, ये सैलेड, ये रोटी एरी और गुस्सा रोटी है, इसमें बटर रोटी है। तो हम खा रहे हैं खाना खा के बताते आपको कैसा बना है। हमारी बाइट, ये ले ली सब्जी, तो भाई बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया। नगमा अगरबत्ती जला रही है, अभी दुकान पर आए ना हम। ठीक है गाइस, जब नगमा बात करेगी तो बात करते हैं। वीडियो, ये कौन है गाइस, ये कौन है? तो गाइस हम रेडी होकर आ चुके हैं पार्लर से आई हूँ मैं बुकिंग पे, क्लाइंट के घर पर हूँ, ये क्लाइंट का बेबी था। तो गाइस हम, मैं रेडी होकर आई हूँ पार्लर से आई हूँ क्लाइंट के घर पर बुकिंग पर। तो आज उनका हेयर स्पा, फेशियल, वैक्सिंग वगैरह सब कुछ करनी थी, तो मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरे साथ आई हैं। और करिश्मा मुझे छोड़ के गई हैं, कह रही हैं काम करो, फिर जब आपका काम कम्प्लीट हो जाएगा तो मुझे बुला लीजिएगा। और क्लाइंट का भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो ना बैंक में से उतर कर वो मेरी गोद में आया, फिर यहाँ से उतर के नीचे वो भाग गया बाहर, बहुत क्यूट है। तो चलिए गाइस, मैं फटाफट से काम निपटा लेती हूँ, मैं आपको मिलती हूँ। तो गाइस आपको तो जैसे पता है, मैंने खाना वाना खा लिया और खाना का नगमा ने भी खा लिया। मैं आपको दिखाऊँ नगमा कर क्या रही है, बुकिंग पर गई थी, बुकिंग से आके क्या कर रही है। गाइज मैंने बताया नहीं था आप लोगों को, मैं बुकिंग से आ भी गई और मैं नारियल पानी पी रही हूँ। मैं आते के साथ ही कमरे में नारियल पानी दे दिया, उसे लगा इसके अंदर वीकनेस आ गई होगी, इसलिए आंखें बड़ी कर करके तो दिखा, शुरू में तो देखा ही नहीं गाइज ने तेरा। हाँ दिखा दो, दिखा दिखा, देखो गाइज दिख रहा है। हाँ सब्बो बन गई आज, सब्बो
सीख ले थोड़ा सा ना चप्पो सब्बो वो भी सब्बो सब्बो कर दे रही थी तो वही बोलती थी भी तो मैं बोल रही मैं वही थी बोलने पता है कौन है अच्छा लग रहा है नारियल पानी कैसा लग रहा है खाना नहीं खाना वो धागा छोड़े में जो सब्बो खाना खा खाना नहीं खाना वो सब्बो धागा छोड़े में नारियल पानी पूरा पी लेना ठीक है। हेलो गाइस हम पार्लर से आ चुके हैं घर और आज थोड़ा सा पूरा दिन हमने दिखाया नहीं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आप लोगों को पता है जब से मेरी तबीयत खराब हुई है ना जब से मेरी तबीयत ठीक ही नहीं रह पा रही। और हाँ इसकी थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी थोड़ी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी ठीक ना हो तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि मेरा वाला जो फ़ोन है ना वो मेरा शॉप पर छूट गया ब्लॉगिंग वाला तो आईफोन जो था हमारा वो वाला आईफोन तो हमारा पार्लर में छूट गया। और तो मैं कमा के फ़ोन से एंड्रॉयड वाले फ़ोन से हम बना रहे हैं वीडियो ठीक है। आज मुझे याद नहीं था कि मैं कैसे बनाऊँ मेरा थोड़ा सा भी दिमाग नहीं चला क्योंकि आज हमने बनाई थी अंडा करी घर में बनाई थी तो मुझे उसकी रेसिपी दिखानी थी पर मैं सोचा था हम भूल गए चलो कोई बात नहीं आज के ब्लॉग में छोड़ दो। फिर कंपा ने बोला एंड्रॉयड वाले फ़ोन से बना ले उससे भी तो बन जाएगी वीडियो तो मैंने हाँ यार ये तो मिस कर दिया मैंने चलो कोई नहीं अब फाइनली सब कुछ बना चुके हैं हम खाना वाना अब खाना खाने बैठे हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए गाइस ये हमारी अंडा करी रेडी है और शानवाज भी नीचे चावल निकाल रहा है अपनी बाउल में और कम्मा ने मेरे लिए एक बनाया था आमलेट भी जो मैं आधा खा चुकी हूँ लाइट जो अब दिख रहा होगा गाइस आप लोगों को सही ये आमलेट बनाया था कम्मा ने मेरे लिए और ये अंडा करी बनाई है। और हाँ एक चीज़ सबसे बड़ी बात गाइज ये है कि करिश्मा कभी भी अंडा करी नहीं खाती है अंडे की सब्जी वगैरह कुछ नहीं खाती है सिर्फ आमलेट तो खा लेती है करिश्मा अंडे की सब्जी नहीं खाती है ना अंडा करी खाती है क्यों क्योंकि उसको उसमें से थोड़ी सी अजीब सी स्मेल सी या कुछ भी ऐसा उसको लगता है कि ये अंडा खा लूँगी तो सही नहीं है ऐसा खाना स्मेल टाइप या कुछ भी उसको लगता है तो वो इसलिए नहीं खाती है। तो आज मैंने बोला उसको कम मेरी तबीयत सही नहीं है ना बाबू तो मेरे लिए नहीं खाओगी अंडा करी नहीं खाओगी तो कम हो गई चल खा लूँगी तो कल वो खा रही है तो मैंने उसके लिए निकाल के रख तो दिया है पर अभी तक बाहर पता नहीं क्या कर रही है मैं दिखाती हूँ आपको क्या हो रहा है। ये गाइस ये रोटी हमारी कल की शाम को सुबह की रोटी है सुबह की कल की बाबू सुबह की रोटी है ये हमारी सुबह की रोटी है जो करिश्मा सेक के ला रही है और हमने चावल ही बनाए हैं अभी और ये दाल है आ जाओ आओ ले बाबू इनकी रिपोर्ट बना दीजिए दे अच्छी ना लगी हो देर से खाना तो परेशानी लगे तो बता देना मुझे शक्ले दिखाता है कितने निशान है कितने दाने हैं क्या है क्या नहीं चेहरा लग रहा चिकना चेहरा लग रहा है अंडा नहीं खाया अंडा कड़ी खा लेते हैं
इसके बाप को मरे एक दिन भी नहीं हुआ और ये स्कूल चली आई। बड़ी अजीब औरत है ना। मेरे लिए तो ये चलिए गाइस डन हो गया। कम्मा का अंडा करी मेरी फैमिली पसंद आई है, अब वो खा लेगी, उसने एक बाइट ले लिया ना वो खा लेगी। चलिए गाइस खाना मिलता है।